गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.5 को प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत मैंने आपको एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 18 तक समझा लिए थे, ठीक है। आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको समझा लिए थे। और आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 18 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी रूल से और आसान तरीके से, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और सारे क्वेश्चन में लगभग एक ही रूल अप्लाई होने वाला है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 23 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन एक ही रूल से सॉल्व होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान से समझना है और अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट कर देना है, ठीक है। तो लेक्चर को प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा आगे। चलो तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कर लिया था, आज 19 से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज है 7.5 क्लास 12th और साइंस एंड पीसीएम का ये लेक्चर नंबर, ये लेक्चर है एक्सरसाइज 7.5 का। क्वेश्चन नंबर 19 से हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को, 19 से लेकर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट है, ध्यान दे, इस बात का ध्यान दे डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, मोस्ट मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आपको सही रूल से और सही क्रम से सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे सीक्वेंस में। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और एक्स स्क्वायर प्लस में 3। ये क्वेश्चन भी अपने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्या है, अपने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। देखिए पहले यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूँ और एक्स स्क्वायर का अवकलन निकालता हूँ तो एक्स स्क्वायर का अवकलन डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में मिल जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है, 2x dx मिल जाएगी मुझे ऊपर, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को पुट करता हूँ t और इसका अवकलन निकालता हूँ, डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 2x, और 2x ऊपर उपस्थित है, इसका मतलब हमारा काम बन जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे, t पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए लेट माना, सबसे पहले हम इसे सीक्वेंस में क्या मानेंगे, लेट माना इस फंक्शन को मान लेंगे i, तो i फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और dx, ठीक है। इस फंक्शन का नाम रख दिया i और आई मानते हैं सारे इस फंक्शन पर इंटीग्रेशन का सिंबल और dx लगा दिया हमने। इसके बाद हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने समझाया है कि यदि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यदि अगर एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x dx हमें मिल जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, इसका मतलब एक्स स्क्वायर को t मानना पड़ेगा और फिर देन इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई कर देंगे, यानी आंशिक भिन्न लगा देंगे और फिर हमारा आंसर निकल जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। तो यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, चाहे तो यहाँ पे लेट लिख ले आप, माना लेट, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, माना एक्स स्क्वायर को हम क्या मानते हैं, टी मानते हैं। अब जिसको टी मानते हैं उसका अवकलन करते हैं हम, ठीक है। दोनों साइड में डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, t का x के सापेक्ष dt टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इधर, तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा,
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 2x dx है ना, देखिए 2x और dx है, इसकी वैल्यू में dt रख दूंगा, एक्स स्क्वायर को टी रख दूंगा, यहां पर भी एक्स स्क्वायर को टी रख दूंगा। तो देयर फॉर कंडीशन क्या बन जाएगी, अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, किसकी वैल्यू है, dt की वैल्यू है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को क्या माना है, टी माना, तो यहां पर टी रख दिया, आप टी प्लस में वन, यहां पर एक्स स्क्वायर को क्या माना है, टी, तो टी प्लस में थ्री, ठीक है। अब देखिए ये एक आंशिक भिन्न का सवाल बन चुका है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन चुका है, जो फर्स्ट वाली टाइप आपने सीखी थी, फर्स्ट वाली जो टाइप मैंने आपको सिखाई थी कि वन अपॉन में टी प्लस वन और टी प्लस थ्री वाली फॉर्म आपको सिखा रखी है इस तरह की। अगर आपको याद होगा कि यदि पी एक्स प्लस क्यू कोई ऐसे फॉर्म में दे रखा है, लीनियर फैक्टर दे रखी है ऐसे करके, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसको कैसे लिखते थे, ए अपॉन में एक्स प्लस ए और बी अपॉन में एक्स प्लस बी लिखते थे आंशिक भिन्न में, है ना। तो ये फर्स्ट वाली टाइप अप्लाई हो रही है यहाँ पर। इसके बाद अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में इसमें लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके लिए पहले थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइप्स आपको समझ में आ रही होगी, अब इसमें फर्स्ट वाली टाइप यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान दें इस बात का, तो सारी टाइप्स मैंने आपको समझा रखा है बेसिक सारा, आप वहाँ से जाके पहले इसको देख ले बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखना है, इस फंक्शन को मैं पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, आंशिक भिन्न में तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ क्या लिखना है आपको, लेट माना, आप लिख सकते हैं ऊपर हेडिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न से, और अदरवाइज आप सीधा भी लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर वन मान लें, वन करके, तो वन करके ऐसे लिखो इसको, वन अपॉन में टी प्लस वन और टी प्लस थ्री, ठीक है। इसको लिखना है आंशिक भिन्न में, तो कैसे लिखेंगे, ऊपर मान लेंगे ए कांस्टेंट, ए अपॉन में टी प्लस में वन प्लस बी अपॉन में टी प्लस में थ्री, ठीक है, ऐसे मान लेंगे इसको। अब क्या करेंगे, देखिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें पहले, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेकर थोड़ा इसको सॉल्व करना होता है, तो देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, वन अपॉन में लेफ्ट साइड को देखिए, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, और आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर को हमने टी माना है, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट किया है, तो लास्ट में टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो पहले इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि जगह हो जाए, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से, इसके बाद लेफ्ट साइड की वैल्यू को आपको सेम रखनी होती है, राइट साइड में एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो राइट साइड में एलसीएम कितना आएगा, टी प्लस वन टी प्लस थ्री आएगा, टी प्लस वन टी प्लस थ्री, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें, तो ए के साथ में क्या आएगा, टी प्लस थ्री आएगा, प्लस बी के साथ में क्या आएगा, टी प्लस में वन आएगा ऐसे, ठीक है। चलो दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम से एलसीएम कट हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर में वन बच जाएगा और राइट साइड के न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, ए इंटू में टी प्लस में थ्री और प्लस बी इंटू टी प्लस में वन, इतना बच जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड मान ली है आपको, इसके बाद समीकरण तीन मान लीजिए, समीकरण तीन मानने के बाद यहाँ से आपको ए ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकाल के आपको यहाँ रखनी होती है समीकरण दो में, ठीक है। चलो अब देखिए, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले जो ए के नीचे फैक्टर होता है उसको उसको हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं। पहले ध्यान से मेरी बात सुन ले कि जो ए के नीचे फैक्टर होता है उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, वहाँ से टी की वैल्यू निकल जाएगी, उस टी की वैल्यू को समीकरण नंबर तीन में पुट करते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यानी सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने सारी रूल आपको समझा रखी, बहुत क्वेश्चन समझाए मैंने इस रूल से, कि जो ए के नीचे फैक्टर है टी प्लस वन, इसको जीरो के इक्वल पुट कर ले,
यहां से टी की वैल्यू निकलेगी, इसको समीकरण तीन में रखना है, यहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी अब आपको क्या लिखना है, पुट, पहला तो आपको लिखना है फ्रॉम, या तो आप पहले लिख ले पुट टी प्लस वन, ए के नीचे फैक्टर क्या है, टी प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो देयर फॉर टी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का वन आएगी। अब आप लिख ले फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड नहीं थर्ड, समीकरण तीन से, हिंदी में क्या लिखना है यहाँ पर, समीकरण तीन से, समीकरण तीन लिख ले पहले यहाँ कि वन इज इक्वल टू ए टी प्लस थ्री प्लस बी टी प्लस में वन, ठीक है। जहाँ देखिए जहाँ जहाँ टी है यहाँ पर वहाँ आपको माइनस वन पुट करना है, वन इक्वल टू टी के प्लेस पर माइनस वन प्लस में थ्री प्लस बी को एज इट इज, टी के प्लेस पर माइनस वन प्लस वन, वन इज इक्वल टू देखिए ध्यान से, थ्री में से वन जाएगा टू बचेगा प्लस का टू, और यहाँ वन में से वन जाएगा तो जीरो, इसको थोड़ा सही लिख ले, टू का मल्टीप्लाई ए के साथ में टू ए, साइड चेंज कर ले, देयर फॉर टू ए इज इक्वल टू देखिए मल्टीप्लाई का टू डिवाइड में आएगा वन अपॉइंट टू हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी, वन अपॉइंट टू आएगी। इसी प्रकार देखिए सिमिलरली बी की वैल्यू निकालने के लिए जो बी के नीचे फैक्टर है इसको जीरो के इक्वल रखना होता है, यहाँ से आपकी टी की वैल्यू निकलेगी, इसको समीकरण नंबर तीन में पुट करना होता है, यहाँ से बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। यानी इसके बाद मैं क्या करूँगा, पुट, पुट का मतलब रखने पर, पुट टी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो देन यहाँ टी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का थ्री आएगी। उसके बाद क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण तीन से दोबारा लिख करके इस टी की वैल्यू को समीकरण तीन में रखना होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, समीकरण तीन क्या थी, वन इज इक्वल टू ए टी प्लस थ्री प्लस बी टी प्लस में वन, ठीक है। जहाँ जहाँ टी है वहाँ माइनस थ्री पुट कर ले, तो ए यहाँ पे टी है तो माइनस थ्री प्लस में थ्री, बी टी की वैल्यू माइनस थ्री प्लस वन, ठीक है। वन को रख दे एज इट इज, थ्री में थ्री जाएगा जीरो, अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा प्लस बी, थ्री में से वन जाएगा माइनस का टू बच जाएगा, तो यानी कितना आएगा, वन इक्वल टू माइनस का टू बी, और मल्टीप्लाई का ये नंबर है माइनस टू डिवाइड में आएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन अपॉन में टू आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन अपॉन टू आ जाएगी, ठीक है। चलो अब ए और बी का मान समीकरण नंबर दो में रखना होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ए और बी का मान कहाँ रखूँगा, समीकरण दो में रखूँगा। तो ये आपने लिख दिया होगा पहले, इसको आप लिख ले, चलो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए आगे, देखिए पहले मैं ए और बी की वैल्यू साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे फिर इसको रफ करना पड़ेगा। ए की वैल्यू वन अपॉइंट टू आई है, बी की वैल्यू माइनस वन अपॉइंट टू आई है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। चलो इसके बाद आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन का जो बेसिक चीज़ है, बेसिक फॉर्मूले कंसेप्ट है, वो सारा आप देख लेना लेक्चर से, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने सब कुछ बता रखा है आपको, आप वहाँ पर जाके चेक कर लेना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी समीकरण दो से, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण दो से, इतना लिखने के बाद समीकरण दो लिख देनी है पहले आपको, इसके नीचे वन अपॉन में टी प्लस वन, फिर टी प्लस थ्री इक्वल टू, इसको लिखा था हमने पार्शियल फ्रैक्शन में, ए अपॉन में टी प्लस वन, यानी समीकरण दो लिख रहा हूँ खाली में, बी अपॉन में टी प्लस थ्री, ठीक है। चलो अब वन अपॉन टी प्लस वन टी प्लस थ्री, इसको तो एज इट इज लिख दिया, ठीक है। जहाँ ए है वहाँ ए की वैल्यू पुट करनी, ए की वैल्यू वन अपॉन टू यहाँ रख दी, तो वन अपॉन टू ऊपर रख दिया टी प्लस में वन, प्लस बी की वैल्यू क्या है, माइनस वन अपॉन टू है, अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ, सीधे मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। चलो अभी मैंने क्या किया, ए के स्थान पे वन अपॉइंट टू, बी के स्थान पर माइनस वन अपॉइंट टू रख दिया है। अब देखिए वन अपॉन में टी प्लस वन टी प्लस थ्री,
ठीक है, यहाँ आप वन मान ले, जो नंबर सबसे ऊपर होता है उसका मल्टीप्लाई सबसे नीचे, यानी वन वन जब वन ऊपर वन आएगा और टू के बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन टू इन टू में आएगा सीधा बाहर, और वन अपॉन टी प्लस वन लिख ले आप ऐसे सही से। सेम यहाँ पर देखिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वन अपॉन टू मैंने इन टू में लिख दिया बाहर, इन टू में वन अपॉन टी प्लस थ्री कर दिया है। ठीक है, चलो क्या किया है ना, बात समझ में आ रही है। देखो ऐसे नंबर अगर कोई होता है ना, ऐसे ऐसे होता है तो सबसे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई सबसे नीचे होती, तीन कम तीन, बीच वाले के बीच वाले से दो चौक आठ, ऐसे लिखा है मैंने खाली, बस इन टू में बाहर कर दिया इनको दो फंक्शन को। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन लगा लो, वन अपॉन टी प्लस में वन और टी प्लस में थ्री, ठीक है, टी के सापेक्ष करना है ये, और जो टी का फंक्शन है ये वन अपॉन टू, सेम इंटीग्रेशन वन अपॉन टी प्लस में वन डी टी माइनस वन अपॉन टू, कॉन्स्टेंट है से भी बाहर कर दे, इंटीग्रेशन वन अपॉन टी प्लस थ्री और डी टी ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए आप ध्यान से, लेफ्ट साइड के फंक्शन को तो सेम रख दे, वन अपॉन टी प्लस वन और टी प्लस थ्री डी टी, राइट साइड में देखिए वन अपॉन टू एज इट इज रख दिया है। देखिए वन अपॉन टी, वन अपॉन एक्स का क्या होता था, लॉग मोड एक्स होता है समाकलन, तो वन अपॉन टी प्लस वन का क्या होगा, लॉग मोड टी प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग मोडुलस टी प्लस वन, सिमिलरली यहाँ पर करना है आपको, वन अपॉन टी प्लस थ्री का क्या हो जाएगा, लॉग मोड टी प्लस थ्री प्लस में सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखिए इन दो नंबर में वन बाई टू कॉमन आ रहा है, देखिए स्टार्टिंग की जो टू टर्म्स है इनमें से क्या आ रहा है, वन अपॉन टू कॉमन आ रहा है, तो पहले कॉमन लेते हैं फिर बाद में वैल्यू पुट करेंगे टी की। देखिए ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करने, फिर कॉपी में अपनी, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसके बाद लेफ्ट साइड को लिख ले पहले, वन अपॉन टी प्लस वन, फिर टी प्लस थ्री डी टी। ठीक है, देखिए इन दो नंबर में वन अपॉइंट टू कॉमन है, तो वन अपॉइंट टू पहले कॉमन लो आप। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, लॉग लॉग मोडुलस टी प्लस वन, फिर माइनस में लॉग टी प्लस थ्री, माइनस में लॉग टी प्लस थ्री, इतना बच जाएगा, ब्रैकेट लगा ले, और बाहर क्या चल रहा है, सी चल रहा है, कॉन्स्टेंट सी, उसको सेम रखना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन वन अपॉन टी प्लस वन, टी प्लस थ्री और डी टी, इसको रख दे बिल्कुल से, वन अपॉन टू, देखिए ध्यान से यहाँ पर फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, है ना, आपने क्या पढ़ा होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको कैसे लिखते थे, लॉग ए बटे बी, अगर ये दे रखा था तो ये लिखते हैं, अगर ये दे रखा है तो ये लिखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना जरा। चलो ठीक है, इसको मान लो लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी लॉग मॉड ए प्लस बी, यानी टी प्लस वन और टी प्लस थ्री ऐसे। ठीक है, प्लस में सी। अब देखिए क्या करना है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ टी की वैल्यू पुट करनी है। टी आपने किसको माना था, देखिए एक्स स्क्वायर को आपने टी माना था स्टार्टिंग में, आप देख लेना ऊपर कि एक्स स्क्वायर को आपने टी माना है, मैंने साइड में लिखा, देखिए यहाँ पर। चलो अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ टी है एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ भी टी है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री, और डी टी को आपने क्या माना था, देखिए आपने एक्स स्क्वायर का जब अवकलन निकाला था तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक्स स्क्वायर का जब आपने अवकलन निकाला था तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ था, डी टी हुआ था, तो डी टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे,
2x dx ऊपर ऊपर क्या रखेंगे यहाँ पे dt की वैल्यू 2x और dx ऐसे, ठीक है। और 1/2 सेम, लॉग भी सेम, ब्रैकेट हटा दें आप। मोर t की वैल्यू क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम। t आपने किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस में c कॉन्स्टेंट। अब आप चेक कर ले आंसर अपना, इसको आपने i माना था, इसको चाहे i लिख दे यहाँ पर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया है, आप NCERT बुक में चेक कर लेना इसको एक बार चेक कर लेते इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 19 है ये, ठीक है। एक बार देख लेते हैं पहले, एक्सरसाइज 7.5 का 19 क्वेश्चन है ये। 1/2, ठीक है, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस में सी कॉन्स्टेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसी प्रकार आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद, देखिए ध्यान से, इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले इसको नोट कर ले। चलो देखिए इसके बाद आगे, अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसके बाद आगे देख लीजिएगा आप। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही मान के करनी पड़ेंगे, टी पुट करके करनी पड़ेंगी सारी, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर ध्यान देना कंसेप्ट में कि बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है क्वेश्चंस में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, आप 20 को देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है कि 1/2 में x x की पावर 4 माइनस में 1। डियर स्टूडेंट ये फंक्शन देखिए, इस फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं डायरेक्टली। कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर को अगर मैं लिखता हूँ, एक्स की पावर 4 को अगर मैं लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 1 मान के एक्स तो चल रहा है, तो फिर यहाँ सूत्र क्या लगेगा, ए स्क्वायर, इस 1 को लिख ले 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोबारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी इसके फैक्टर ज़्यादा निकल जाएंगे, यानी सवाल लेंदी हो जाएगा तब, ठीक है। ऐसे ऐसे करना पड़ेगा फिर इसको, यानी एक फैक्टर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, यानी ऐसे केस में क्वेश्चन लेंदी हो रहा है। तो इसको एक शॉर्ट रूल से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। अगर ऐसा अगर आप करना चाहो तो यहाँ पर क्या बनना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है और इसके फैक्टर करना संभव नहीं है, तो बी एक्स प्लस सी के रूप में आपको लिखना पड़ेगा ऊपर, तो आपको दिक्कत आएगी थोड़ा, मतलब क्वेश्चन ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्ट रूल में देखिए पहले, आप इसको पहले सॉल्ट रूल से ध्यान से देखिए कैसे करना है, ठीक है। देखिए अगर आपको पहले सोचना है थोड़ा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख ले पहले, इसके बाद सोचते हैं सॉल्यूशन, हल, और लेट माना माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x एक्स की पावर 4 माइनस 1 और dx, इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर x की पावर 4 का अवकलन क्या होता है, x की पावर 4, देखिए अगर x की पावर 4 का डेरिवेटिव अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आता है, आपको पता है कि 4 इंटू में x की पावर 3 आएगी, ठीक है, x की पावर 3 आएगी मतलब। चलो अगर यदि मैं, अब अगर आप ध्यान दें मेरी बात पर, कि यदि अगर मैं x की पावर 3 से, खाली x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, यानी अंश और हर में अगर x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे इस x की पावर 4 का अवकलन ऊपर मिल जाएगा x क्यूब, अगर x क्यूब से मैं अंश और हर में मल्टीप्लाई करता हूँ तब, ठीक है। तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, x क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहली केस में। तो यानी अब आपको क्या लिखना है, देखिए ठीक है, आपने बात समझ ली होगी,
एक्स की पावर 4 का अवकलन क्या होता है? 4x³ होता है। अगर x³ से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में x³ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो x³ dx क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। और देन इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके जो फर्स्ट वाली फॉर्म है वो हमारी बन जाएगी। देखिए कैसे। हाँ, आपको यहाँ क्या लिखना है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x³। ठीक है, अंश और हर में हम क्या कर रहे हैं? x³ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? अंश व हर में x³ से गुणा करने पर, ऐसे आप लिख सकते हैं, गुणा करने पर, अंश और हर में x³ से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, देयर फॉर इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए x³ से मल्टीप्लाई कर दी मैंने न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी x³ से मल्टीप्लाई कर दी, इनटू में x पहले से है और x की पावर 4 -1, और dx को सेम लिख दिया है। खाली क्या किया? अंश और हर में x³ से गुणा भाग कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है? देखिए बिल्कुल ध्यान से डियर स्टूडेंट, देखिए ऊपर जो x³ है इसको तो रख दिया एज इट इज मैंने, x की पावर 1 मान लो यहाँ पर, इनके बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर 4 बन जाएगा ऐसे बाहर, और यहाँ पर x की पावर 4 माइनस में 1, और dx को रख दिया एज इट इज। अब अगर आप ध्यान दो कि यदि अगर x की पावर 4 को t मान लेते हैं तो इसका अवकलन x³ dx ऊपर मिल जाएगा, तो यानी हमारा काम इजी हो जाएगा अब इसका समाकलन निकालना। ठीक है, इसके बाद देखिए आप ऊपर, इसके बाद मैं क्या करूँगा, x की पावर 4 को पुट कर दूंगा t। तो मान लो आप पहले लेट माना x की पावर 4 को हम क्या मानेंगे? t। जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं? दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है तो x की पावर 4 का क्या होगा? 4 इंटू में x की पावर 3। अवकलन क्या करता है? पावर को इंटू में ला करके एक घात क्या करता है? कम करता है। पावर को क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो t का x के सापेक्ष dt अपॉन dx हो जाएगा। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो 4 का यहाँ हो जाएगा 4x³ dx, और dt का 1 से dt हो जाएगा। हमें क्या चाहिए ऊपर? हमें चाहिए x³ dx की वैल्यू। तो यहाँ से x³ dx की वैल्यू आप निकाल लें, ये 4 डिवाइड में आएगा तो 1/4 dt हो जाएगा ऐसे। ठीक है, चलो इसके बाद इसको रफ कर लेते पहले। देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या लिख रहा है आपको? ठीक है, देखिए यहां पर, देखिए बिल्कुल ध्यान से, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए x³ dx, x³ dx इन दोनों की वैल्यू क्या है? 1/4 dt है, तो 1/4 कांस्टेंट है, तो इसके बाहर कर ले आप सीधा। चलो x³ dx की वैल्यू क्या रख दी मैंने? dt रख दी। चलो इसके बाद x की पावर 4 को क्या माना है? t माना है, तो यहाँ पे t आएगा, x की पावर 4 को t माना है, t माइनस में 1 सेम। ठीक है, और इसको हमने क्या लिखा था? x³ dx को लिखा था 1/4 dt, 1/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, ऊपर dt रह गया। ठीक है, ये रहा। इसके बाद देखिए इस समाकलन के क्वेश्चन को आंशिक भिन्न से हल कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए इसको हम सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। 1/ देखिए यहाँ पर लीनियर फैक्टर आ गए, फर्स्ट वाली फॉर्म बन चुकी है। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन की जो फर्स्ट वाली फॉर्म आपने सीखी थी कि अगर अपॉन में लीनियर फैक्टर होते हैं तो ए अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस 2, इस तरह के फैक्टर आपने सीखे थे ना। देखिए आपने क्या पढ़ा था कि यदि फर्स्ट वाली फॉर्म ये थी कि px अपॉन q, यदि x प्लस a x प्लस b है, यदि
अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है तो हम कैसे लिखते हैं, ए अपॉन में ये फैक्टर एक्स प्लस ए और बी अपॉन में एक्स प्लस बी, ऐसे करके हम लिखते थे प्लस करके, ठीक है। तो ये बात आपको पता होगी। चलो अब देखिए आगे, अगर लिखना चाहते हो आप तो यहाँ लिख सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन। बाई पार्शियल फ्रैक्शन हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, आंशिक भिन्न से, और फिर क्या करेंगे, लेट माना, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए मान लेंगे, माना यहाँ पर वन मान लिया आप, वन अपॉन में टी टी इंटू टी माइनस में वन, इसको आपको आंशिक भिन्न में तोड़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करना, तो ऊपर ए मान करके टी लिख ले प्लस, ठीक है, फिर बी मानेंगी और टी माइनस वन लिखेंगे ऐसे, ठीक है। चलो अब दोनों साइड में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए जरा, वन अपॉन टी, टी माइनस वन को सेम लिख दिया है, राइट साइड में दोनों का एलसीएम क्या आएगा, टी इंटू टी माइनस में वन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ ए इंटू में टी माइनस में वन, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर ले बी टी, ठीक है। एलसीएम से एलसीएम कट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, वन इक्वल टू ए टी माइनस में वन प्लस बी टी, इतना बच जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें और इसको मान लें थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए, हाँ मैंने आपको ए और बी की वैल्यू निकालना समझा रखा है। अगर ए की वैल्यू चाहिए तो ए के नीचे जो फैक्टर है इसको जीरो के इक्वल पुट कर लें, ए के नीचे तो केवल टी है, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, पुट टी की वैल्यू को आपको जीरो करना पड़ेगा, और देन इसके बाद क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड समीकरण तीन से, समीकरण तीन क्या आती है, वन इक्वल टू ए टी माइनस में वन प्लस बी टी, जहाँ जहाँ टी है यहाँ इक्वेशन थर्ड में वहाँ आपको जीरो पुट करना है, तो वन इक्वल टू ए जीरो माइनस में वन और बी इंटू में जीरो, टी की वैल्यू जीरो, तो वन इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का ए तो जीरो हो जाएगा, तो देयर फॉर यहाँ देखिए ये माइनस ए यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, माइनस की वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कराने पर माइनस लग जाएगा वन पर, तो माइनस वन हो जाएगा फिर ये ऐसे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का वन आएगी, ठीक है। चलो अब बी की वैल्यू निकालने के लिए, जो बी के नीचे फैक्टर है इसको जीरो के इक्वल पुट कर ले, पुट टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो देन टी की वैल्यू वन आएगी, फिर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड समीकरण तीन, लिख ले पहले दोबारा आप, ताकि आपको याद रहे, वन अपॉन ए टी माइनस में वन प्लस में बी टी, जहाँ जहाँ टी है वहाँ आपको क्या पुट करना है, प्लस का वन, यहाँ पर वन माइनस वन, बी टी की वैल्यू प्लस वन, वन में से बन जाएगा जीरो, अगर ये जीरो तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया, तो इसे हटा दो आप, बी वन बी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, वन। चलो अब ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करनी है, ठीक है। तो चलो इसको पहले हटा दें आप, इसके बाद आपको क्या लिखना है, समीकरण दो से फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण दो से, ठीक है। समीकरण दो लिख ले पहले, वन अपॉन टी टी माइनस में वन इज इक्वल टू राइट साइड में ए अपॉन में टी और बी अपॉन में टी माइनस वन, ठीक है। चलो अब इस समीकरण दो में आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। चलो अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि वन अपॉन टी टी माइनस वन, इसको तो सेम रख दिया है, ए ए की वैल्यू क्या है, माइनस वन अपॉन में टी एज इट इज, बी की वैल्यू प्लस वन अपॉन में टी माइनस में वन। अब इसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, तो लेफ्ट साइड का समाकलन वन अपॉन टी टी माइनस वन डी टी, माइनस को बाहर कर ले आप, वन अपॉन टी डी टी और प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन टी माइनस वन डी टी ऐसे, ठीक है। तो देखिए वन अपॉन टी
टी माइनस वन डी टी, इसको सेम लिख ले आप। राइट में देखिए, माइनस से वन अपॉन टी का क्या होता है, लॉग मोड। देखिए वन अपॉन एक्स का लॉग मोड एक्स होता है, तो वन अपॉन टी का लॉग मोड टी हो जाएगा। और उसके बाद सेम देखिए, टी माइनस वन को मान ले अपने माइंड में एक्स, तो वन अपॉन एक्स का लॉग मोड एक्स होता है, तो वन अपॉन टी माइनस वन का क्या हो जाएगा, लॉग मोडुलस टी माइनस में वन प्लस में सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, देखिए पहले ध्यान से, टी इंटू में टी माइनस वन, इसको तो पहले मैं सेम लिख रहा हूँ। देखिए पहले मैं क्या करूँगा, प्लस वाली वैल्यू लिख दूंगा पहले। ठीक है, तो लॉग टी माइनस वन को मैंने पहले लिख दिया, फिर माइनस का लिखूंगा, ये माइनस लॉग टी, माइनस लॉग टी और प्लस में सी। अब देखिए अगर आपको याद होगा तो वन अपॉन में टी टी माइनस वन डी टी, इसको तो पहले मैं सेम लिख रहा हूँ। देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, बी की वैल्यू टी है, ए की वैल्यू टी माइनस वन है, तो क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से लॉग ए अपॉन बी होता है ना, तो टी माइनस वन अपॉन में टी प्लस में सी कॉन्स्टेंट। अब देखिए जहाँ जहाँ टी है वहाँ आपको टी की वैल्यू पुट करनी। टी को हमने क्या माना था, एक्स की पावर फोर माना था। ठीक है, तो चलो ये आपने लिख लिया होगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड में देखिए, जहाँ जहाँ टी है यहाँ पर टी है, तो यहाँ क्या रखेंगे, एक्स की पावर फोर रखेंगे। टी की वैल्यू वहाँ से देखिए, टी की वैल्यू यहाँ पर भी एक्स की पावर फोर रख दिया आप, माइनस में वन। और डी टी, डी टी आपने किसको माना था, अगर आपको याद होगा, देखिए आपने एक्स की पावर फोर, देखिए यहाँ पर देखिए डी टी की वैल्यू क्या आ रही है, फोर एक्स क्यूब और डी एक्स आ रही है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या रखना पड़ेगा, फोर एक्स क्यूब और डी एक्स। ठीक है, ये आपने रख दिया। इसके बाद देखिए राइट साइड में देखिए, लॉग लॉग यहाँ एक्स, टी को अपने एक्स की पावर फोर माना है, माइनस में वन सेम, और यहाँ टी को एक्स की पावर फोर प्लस में सी कॉन्स्टेंट। ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको सॉल्व करना है थोड़ा सा और, तो ठीक है, अगर आपको थोड़ा और सॉल्व करना है, देखिए इस फंक्शन को हमने आई माना था, आप यहाँ आई लिख सकते हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस सॉल्व हो चुका है। अदरवाइज आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, बाद में ये वैल्यू सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू चलती रहेगी, बस यहाँ पुट कर लो, यहाँ का आंसर निकाल लो, बिल्कुल राइट माना जाएगा आपका आंसर। ठीक है, लो फिर भी मैंने लिख दिया है ऐसे पूरा इसको, तो आप इसका आंसर चेक कर लेते हैं पहले। बुक एक बार पहले बुक में देख लेते हैं एनसीईआरटी। चलो तो क्वेश्चन नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर ये 19 के बाद 20 होगा। तो डियर स्टूडेंट आप भी चेक कर लें, 7.5 का है ये क्वेश्चन नंबर, 20 है, 1 अपॉन 4। ओ डियर स्टूडेंट भाई एक मिसप्रिंट हो गया था, क्योंकि 1 अपॉन 4 जब हमारा चल रहा था, ठीक है, ये 1 अपॉन 4 हमने इंटीग्रेशन के भाग लिया था ना, तो ये 1 अपॉन 4 चलता रहेगा, आप लगा देना। ठीक है, ये 1 अपॉन 4 चलता रहेगा सभी में, ये इसके बाहर 1 अपॉन 4 था, ये आपको चलता रहेगा। ये देखिए हमने 1 अपॉन 4 लिया था ना इंटीग्रेशन के बाहर, 1 अपॉन 4 लिया था, तो 1 अपॉन 4 आप यहाँ लगा ले सही से पहले, 1 अपॉन 4 बस यहाँ पर ही मिसप्रिंट ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर हाँ 1 अपॉन 4, ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन 4 चल रहा था, तो यहाँ 1 अपॉन 4 चलता रहेगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ देखिए 1 अपॉन 4 आप लगा ले पहले, इसके बाहर क्या था, 1 अपॉन 4 चल रहा था, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, 1 अपॉन 4 चल रहा था, 1 अपॉन 4 आई थिंक रह गया। देखिए यहाँ पर जब इसकी वैल्यू निकालते, 1 अपॉन 4 चल रहा था, यानी 1 अपॉन 4 हमने इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया था, तो आप इसको सही कर देना। ठीक है, 1 अपॉन 4 साथ में चलता रहेगा बस, अब बाकी आंसर बिल्कुल राइट है आपका। 1 अपॉन 4 लॉग एक्स की पावर 4 माइनस 1 और एक्स की पावर 4 प्लस 3, बिल्कुल राइट आंसर है, बस 1 अपॉन 4 चलता रहेगा, वो आप सही कर देना। ठीक है, देखिए 1 अपॉन 4 स्टार्टिंग में जब मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाला था, यहाँ पर कांस्टेंट देखिए, ये 1 अपॉन 4 डी टी के साथ मैंने बाहर निकाला था इंटीग्रेशन के बाहर, मैंने यहाँ पर रब कर लिया है, इसलिए आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन 1 अपॉन 4 चलता रहेगा इनके बाहर। ठीक है, ये बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी काम सेम करना है, बस 1 अपॉन 4 चलता रहेगा लास्ट तक। चलो इसको पहले आप नोट कर ले और इसको थोड़ा सही कर ले क्वेश्चन को। तो सभी बच्चे पहले इसको लिख ले,
डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा तो ध्यान दीजिएगा कि 1/4 चलता रहेगा, ठीक है। ये मिसप्रिंट आप मत करना, क्योंकि इस इंटीग्रेशन के बाहर जब 1/4 आया था ना, तो वो बाहर चलता था, ठीक है। वो बाहर यहाँ पे चलता रह रहा था, वो बस बाई मिस्टेक वो छूट गया पीछे, तो वो साथ में चलता रहेगा, तो ये आपका आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा, ठीक है। चलो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। देखिए अब आगे, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 21 करना है इसके बाद, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि 21 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन निकालना है, और संकेत भी दे रखा है कि ई की पावर एक्स को टी रखिएगा। ई की पावर एक्स को टी कब रखेंगे, जब ऊपर ई की पावर एक्स आएगा तब रखेंगे, ठीक है। तो यानी ऊपर ई की पावर एक्स को लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके बाद सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। पहले तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से बिल्कुल, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख करके, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे, उसके बाद लेट माना इस फंक्शन को आई मान करके इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस वन डी एक्स ऐसे मान लिया है। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, न्यूमरेटर अंश और हर में ई की पावर एक्स से गुणा भाग कर देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर क्या करना है, देखिए इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि अंश व हर में, अंश व हर में e की पावर x से गुणा करने पर, ठीक है। अंश और हर में क्या करेंगे, e की पावर x से गुणा करने पर गुणा कर देंगे, ठीक है। चलो अब देखिए, i इज इक्वल टू से e की पावर x से मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर में, यहाँ पर भी हो जाएगा e की पावर x, और e की पावर x माइनस वन सेम रहेगा, और dx इससे हमारे इस फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि e की पावर x से e की पावर x वन टाइम कट हो जाएगा, फिर हमें ये मिल जाएगा फंक्शन, ठीक है। चलो इसको मान ली क्वेश्चन फर्स्ट, ये आप इसको मान ली क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। आप इसको मान ले एक ही बात है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ थोड़ा इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसको t पुट कर ले, एक ही पावर x को t मान ले, तो लेट माना एक ही पावर x इक्वल टू t, तो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने हैं बोथ साइड में, एक ही पावर x का एक ही पावर x, t के x के सापेक्ष डी टी अपॉन में डी एक्स, डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस, तो ई एक्स इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा ऐसे। अब देखिए ई की पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी है, ई की पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे, तो साइड में देखिएगा, अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए ई की पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, डी टी, ठीक है। ई की पावर एक्स को क्या माना है, टी, तो यहाँ पे टी, और e की पावर x को क्या रखना है, t माइनस में वन, ठीक है। बस अब देखिए ये आंशिक भिन्न का सवाल बन चुका है, पार्शियल फ्रैक्शन का इजी वाला एक क्वेश्चन बन चुका है, फर्स्ट वाली फॉर्म वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका समाकलन निकाल देंगे हम, तो अब एक बार ध्यान रखना है, e की पावर x को हमने t माना है, तो साइड में आप इसे लिख लें, क्योंकि बाद में हम यूज करेंगे ये, ठीक है। बाकी को रफ कर लेते हैं, चलो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं, इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले इसके बाद आपको क्या लिखना है, लेट माना, अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न से, ठीक है। अब क्या करेंगे, वन अपॉन में टी, टी माइनस में वन, ए अपॉन में टी लिखेंगे इसको, प्लस डी अपॉन में टी माइनस में वन लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है।
अब दोनों साइड एलसीएम ले ले, टी टी माइनस वन, राइट साइड में एलसीएम क्या आएगा, टी इंटू टी माइनस वन, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ए इंटू में टी माइनस में वन प्लस बी टी हो जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कट हो जाएगा वन टाइम, तो ए इंटू में टी माइनस वन और बी टी, इसको मान ले इक्वेशन सेकंड, इसको मान ले इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए की वैल्यू निकालने के लिए जो टी के नीचे फैक्टर होता है इसको पुट कर ले जीरो के इक्वल, ठीक है, ए के नीचे जो फैक्टर होता है टी, इसको जीरो के इक्वल पुट कर ले, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, समीकरण तीन में जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या रखना है, जीरो, तो यहाँ पर देखिए ए सेम, टी की वैल्यू जीरो माइनस में वन, बी इंटू में टी की वैल्यू क्या है, जीरो है, वन इक्वल टू माइनस का ए और ये जीरो हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन, लेफ्ट में ट्रांसफर होगा तो माइनस वन हो जाएगा इसके से, ठीक है। तो अब बी की वैल्यू निकालने के लिए जो बी के नीचे फैक्टर है इसको जीरो के इक्वल पुट कर ले, तो पुट बी टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो देन यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड में इसको पुट कर लेंगे, समीकरण तीन में रख देंगे, ठीक है, टी की वैल्यू, समीकरण तीन क्या है, वन इज इक्वल टू ए टी माइनस वन प्लस बी टी, ठीक है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ आपको वन पुट करना है, तो ए इंटू में वन माइनस में वन प्लस बी इंटू में टी की वैल्यू वन, तो वन इक्वल टू वन में से वन जाएगा जीरो, अगर जीरो आएगा तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा बी, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस वन आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस वन आ जाएगी, तो ए और बी की वैल्यू आप समीकरण नंबर दो में पुट करनी है, ठीक है। तो चलो अब देखिए इसके बाद, इसके बाद आपको यहाँ क्या लिखना है, ऊपर सबसे पहले ऊपर लिखना है आपको समीकरण दो से, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये समीकरण दो मैंने लिख दिए यहाँ पर, अब देखिए वन टी टी माइनस वन सेम, जहाँ ए है वहाँ ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन में टी, प्लस बी की वैल्यू वन अपॉन में टी माइनस में वन, इसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, इधर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन टी टी माइनस में वन डी टी, माइनस को बाहर कर ले, इंटीग्रेशन वन अपॉन टी डी टी प्लस वन अपॉन टी माइनस में वन डी टी, ऐसे, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन वन टी टी माइनस में वन डी टी, इसको रख दे एज इट इज, माइनस को सेम वन अपॉन टी का क्या होगा, लॉग मॉल टी हो जाएगा, प्लस में वन अपॉन टी माइनस वन का क्या हो जाएगा, लॉग मॉल टी माइनस वन प्लस में सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लॉग ए, इसको मान ले पहले लिख ले इसको, लॉग ए माइनस लॉग बी करके, तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसको मान ले पहले आप लॉग ए, फिर मान ले माइनस लॉग बी, ऐसे कर घुमा के मान ले इसको, तो क्या होगा, लॉग ए, ए की वैल्यू क्या होगी, टी माइनस वन, और बी की वैल्यू क्या होगी, टी प्लस में सी कॉन्स्टेंट। चलो अब टी की वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है, अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ टी की वैल्यू पुट कर ले आप, तो टी आपने माना था ए की पावर एक्स को, देखिए इंटीग्रेशन पहले, देखिए यहाँ टी है, टी की वैल्यू ए की पावर एक्स, फिर यहाँ पर भी ए की पावर एक्स माइनस वन, और डी टी को देखिए डी टी किसके इक्वल था, आपने जब इसका अवकलन निकाला था ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी था, तो यानी इसको हम क्या लिखेंगे, डी टी को क्या लिखेंगे, ए की पावर एक्स डी एक्स ऊपर, तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, ए की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ देखिए लॉग मॉड टी को माना था ए की पावर एक्स माइनस में वन और ए की पावर एक्स प्लस में सी कॉन्स्टेंट, और इसको माना था हमने आई, तो आई इज इक्वल टू लॉग मॉड ई की पावर एक्स माइनस में वन ई की पावर एक्स प्लस में सी कॉन्स्टेंट, इसका आंसर भी आप चेक कर ले, ठीक है, इसका भी आंसर चेक कर लेते पहले एक बार। चलो ये क्वेश्चन नंबर 21 था, ठीक।
ठीक है, तो 7.5 है ही। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 21, लॉग ई की पावर एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स प्लस, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये भी नोट कर लेना है। ठीक है, चलो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 को करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसी प्रकार आपको सॉल्व करने हैं सभी को। ठीक है, ये थोड़ा से अलग कैटेगरी के क्वेश्चन थे, इनको आप रिपीट कर लें बिल्कुल सही रूप में, तभी आपको समझ में आ पाएंगे क्वेश्चन ये। चलो अब आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर को, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 को देखिए। 22 वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट है, यहाँ पर ये ऑप्शन में है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है तो कई बार दे देते हैं इसको। ठीक है, हमें क्या करना है कि सवाल कहता है कि x dx अपॉन x माइनस में 1 और x माइनस 2 बराबर है, यानी इसकी वैल्यू बताने, इसका मान किया है और ऊपर लिखा है 22 7 23 में सही उत्तर का चयन कीजिए। सही ऑप्शन पर सही का टिक लगाना है, ऑप्शन भी दे रखी इसमें। तो पहले हम निकालते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन हल, उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन को मान लेंगे आई, इंटीग्रेशन एक्स, एक्स प्लस एक्स माइनस वन है, फिर एक्स माइनस टू है और डी एक्स है। इसके बाद देखिए अपॉन में लीनियर फैक्टर है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, आंशिक भिन्न से तोड़ सकते हैं इसको। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चाहे आप लिख लें बाई पार्शियल फ्रैक्शन, एक बार लिख लेते बाई पार्शियल फ्रैक्शन, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, आंशिक भिन्न से, क्या लिखेंगे, आंशिक भिन्न से। तो क्या करेंगे, लेट माना, आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए इसको मान लेंगे एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन वाले फंक्शन को मान लेंगे, क्या इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, तो लीनियर फैक्टर है तो ए अपॉन में एक्स माइनस में वन प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस में टू, ऐसे। लेफ्ट साइड को सेम रख ले, राइट में एलसीएम लेनी है आपको, तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर ले सीधा, आप तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा बी इंटू में एक्स माइनस में वन, दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम से एलसीएम कट हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस में वन, इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान ले इक्वेशन सेकंड, इसको मान ले इक्वेशन थर्ड। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए जो ए के नीचे वाला फैक्टर होता है इसको जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं हम, यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, पुट ये ए के नीचे फैक्टर क्या है, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो देन यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस वन, इस एक्स की वैल्यू को समीकरण तीन में पुट करना है, तो समीकरण तीन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, समीकरण तीन लिख ले पहले, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस में टू प्लस बी एक्स माइनस में वन, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपको वन पुट करना है, तो वन इक्वल टू ए वन माइनस में टू प्लस में बी वन माइनस में वन। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को पहले हटा देते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रहे। चलो अब ध्यान से देखिएगा, वन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माइनस टू में से वन जगह माइनस वन, तो माइनस का ए बच जाएगा सीधा, माइनस वन की मल्टीप्लाई ए में तो माइनस ए, और यहाँ देखिए वन में से वन जगह जीरो, अगर ये जीरो होगा तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया, और जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए साइड चेंज कर ले, ये माइनस यहाँ आएगा तो इक्वल टू माइनस का वन बन जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का वन। ठीक है, अब बी की वैल्यू निकालने के लिए जो बी के नीचे फैक्टर है इसको जीरो के इक्वल रख दे पहले, तो पुट एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, देन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस टू, इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड समीकरण तीन से, समीकरण तीन लिख ले दोबारा, x इक्वल टू ए एक्स माइनस में टू प्लस
एक्स माइनस में वन, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टू पुट कर ले, टू इज इक्वल टू ए, यहाँ पर एक्स है तो टू माइनस टू प्लस में बी, यहाँ पे टू माइनस में वन, ठीक है। टू इज इक्वल टू, देखिए ए टू में से टू हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया और जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। तो बी टू में से बन जाएगा तो वन, यानी कितना आएगा, बी बन जाए बी, तो यानी यहाँ क्या लिखूँ, खाली बी लिखूँगा, तो यानी बी की वैल्यू कितनी आएगी, टू। तो इसको भी साइड में लिख ले, बी की वैल्यू कितनी आई, टू, और ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस का वन। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद समीकरण दो में यहाँ पर पुट कर लेंगे ए और बी की वैल्यू, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना होता है, इसके बाद आपको लिखना होता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण दो से, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण दो से। देखिए समीकरण दो में क्या दे रखा है, एक्स अपॉन में एक्स माइनस में वन, फिर एक्स माइनस में टू, और राइट में क्या है, ए अपॉन एक्स माइनस में वन और प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस में टू, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए की वैल्यू पुट कर ले, बाकी को सेम रख ले, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू सेम, ए की वैल्यू कितनी निकाले, माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस में वन, और बी की वैल्यू कितनी निकाली, टू, तो यहाँ पर टू अपॉन में एक्स माइनस में टू, ठीक है। इसके बाद देखिए दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, टेकिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस को बाहर कर ले, वन अपॉन एक्स माइनस में वन डी एक्स प्लस टू कॉन्स्टेंट बाहर कर ले, इंटीग्रेशन वन अपॉन में एक्स माइनस टू और डी एक्स, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलो तो देखिए इस फंक्शन को आपने आई माना होगा, तो यहाँ रख दिया आप आई, स्टार्टिंग में समीकरण एक में हमने इस फंक्शन को पूरे को आई माना था, तो यहाँ आई रख दिया है, माइनस सेम वन अपॉन एक्स माइनस वन का क्या होगा, लॉग मोड एक्स माइनस वन, ठीक है। और उसके बाद प्लस टू सेम वन अपॉन एक्स माइनस टू का लॉग मॉड एक्स माइनस टू प्लस में सी कॉन्स्टेंट। चलो अब इसको कैसे लिखना है, पहले मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, इस माइनस लॉग एक्स माइनस वन को तो मैंने सेम लिख दिया, यहाँ पर देखिए लॉग के इनटू में जो नंबर होता है वो जाता है पावर में, आपने लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लॉग ए की पावर बी, तो अगर कोई नंबर पावर में होता तो इनटू में आता लॉग क्या की बी इनटू लॉग ए लिख सकते, अगर ऐसे नंबर दे रखा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर पावर की फॉर्म में, ठीक है। तो यानी ये नंबर जाएगा पावर में, तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस लॉग मॉड एक्स माइनस टू का होल, ऐसे पावर में लिख दिया, ठीक है। ये इनटू का नंबर कहाँ गया, पावर में चला गया, प्लस में सी कॉन्स्टेंट। चलो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, प्लस वाले को लिख ले पहले और माइनस वाले को लिखने बाद में, और इसको मान लॉग ए, इसको मान ले, फिर लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या हो जाएगा, लॉग पहले ए इसको मान ले प्लस वाले को, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और बी इसको मान ले माइनस वाले को, तो एक्स माइनस में वन मोल लगा के प्लस में सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। ऐसे घुमा देना चाहिए आप इसको, प्लस की वैल्यू पहले रख देना, माइनस की बाद में रख देना, चाहिए तो सीधा लिख देना, अब आप होशियार बच्चे हो चुके हो, ठीक है। अब इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं आप, आपको मैंने बार बार समझाया कि पहले इसको लिखे फिर ये लिखे, अब मैं इसको आपको सीधा समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको मान लें लॉग ए, तो ए की वैल्यू आएगी ऊपर, लॉग ए माइनस ही रहा लॉग बी है, अगर लॉग ए माइनस लॉग बी तो लॉग ए अपॉन बी लिखते हैं, ए अपॉन बी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और दोनों वैल्यू मोड में थी तो मोड लगा लिया। अब चेक कर दे इसका आंसर एक बार, ऑप्शन देखते कौन सा इसमें, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि लॉग एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू प्लस कॉन्स्टेंट, बिल्कुल ऑप्शन कौन सा, बी, बी ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया आपका,
अब क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला है, ठीक है? तो पहले आप इसको लिख लें, नोट कर ले पहले इसको जी, ठीक है? पहले आप इसको नोट कर ले, इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे देखिएगा, या आपने इसको बिल्कुल सही से नोट कर लेना पहले। चलो, सबका हो गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसके बाद ही एक्सरसाइज 7.5 समाप्त हो जाएगी पूर्णतः, ठीक है? पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, बस एक लास्ट क्वेश्चन इसमें हो रहा है, इसको आपको बिल्कुल सही से करना है, ठीक है? तो चलो, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है एक्सरसाइज के अंदर, इसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है? चलो, पहले मैंने इसको रफ कर दिया, अब देखिए बिल्कुल ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 23 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.5 का। देखिए एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 23 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 है, तो ध्यान रखना। ये कहता है कि डी एक्स अपॉन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू किसके इक्वल आती है ये हमें बताना है। तो यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख करके यहाँ हल लिख ले आप, लेट माना इस फंक्शन को मान लिया आपने आई, माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वन, और वन डी एक्स तो ऊपर लिख दिया है, ठीक है? इसको मान ली इक्वेशन फर्स्ट फिलहाल, ठीक है? चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट अभी मत मानो, बाद में मानना आप। देखिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर का अवकलन निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2x dx। देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। यदि अगर मैं इस x से केवल ऊपर नीचे इंटू कर दूँ तो 2x dx मिल जाएगा, dt में ऐसे मान लिया, अभी 2 जाएगा डिवाइड में, तो x dx चाहिए मुझे। यानी ऊपर अगर dx है, मुझे x और चाहिए ऊपर, तो ऊपर x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अंश और हर में x से गुणा भाग कर दूँगा, ठीक है? मल्टीप्लाई कर दूंगा x से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। तो आपको बात समझ में आ रही है? तो यानी अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। यानी हिंदी में क्या लिखोगे, अंश व हर में x से गुणा करने पर, दोनों में मैंने क्या कर दिया, x से गुणा कर दिया, गुणा करने पर, ठीक है? कैसे करना गुणा, देखिए ध्यान से, डियर फॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर x आ जाएगा dx के साथ मल्टीप्लाई से, और नीचे भी एक x इंटू में x हो जाएगा, एक x पहले से है, एक x से हमने किए गुणा, और ब्रैकेट के अंदर का सेम लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है? अब देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx, देखिए x की मल्टीप्लाई x में होगी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है? बस अब देखिए, यदि एक्स स्क्वायर को हम t मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x dx मिल जाएगा, और 2 जाएगा डिवाइड में, यानी x dx हमें ऊपर मिल जाएगा, तो x dx को हम dt रख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर को यहाँ पर t पुट कर लेंगे। तो देखिए पहले, इसके बाद यहाँ साइड में देखिएगा आप कि लेट माना, अब मैं क्या करूँगा, इस एक्स स्क्वायर को t मान लूँगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, इसके बाद डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोनों साइड, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष समा अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो एक्स स्क्वायर का 2x और t का dt अपॉन dx, अब dx का मल्टीप्लाई करना है इधर, तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है? 2x का मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो क्या हो गया, 2x dx इक्वल टू dt हो गया, यहाँ पर टेबल मान ली, dt वन जब dt क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो x dx की वैल्यू चाहिए हमें खाली, तो ये 2 डिवाइड में आएगा, तो 1 अपॉन 2 dt ऐसे बन जाएगा, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, इतना करने के बाद चाहे आप यहाँ पर मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ध्यान दीजिएगा, अब इस फंक्शन को लेकर चलना है, आई इज इक्वल टू
यहाँ पर देखिए एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2 dt, 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको याद रखना, भूल मत जाना। 1/2 मैंने बाहर कर दिया कॉन्स्टेंट, एक्स डी एक्स के स्थान पर डी टी कर दिया, और उसके बाद अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या माना है, टी माना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ टी रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी टी रखना पड़ेगा, प्लस में 1 ऐसे, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद इस फंक्शन को तोड़ना है आपको पार्शियल फ्रैक्शन में, आंशिक भिन्न में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न से, हिंदी में क्या लिखोगे, आंशिक भिन्न से। तो लेट माना, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए क्या मान लेंगे, ऊपर 1 मान ले, 1/ में टी, टी प्लस 1, इसको लिख ले ए अपॉन में टी प्लस बी अपॉन में टी प्लस 1। आंशिक भिन्न मैंने आपको समझा रहे कि फर्स्ट वाली टाइप है, ठीक है, टी टी प्लस 1, राइट साइड में एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आएगा, टी इंटू में टी प्लस 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर ले ए टी प्लस 1, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर ले बी टी, दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम से एलसीएम कट हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू ए टी प्लस 1 बी टी बन जाएगा इतना, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मान ले और इसको इक्वेशन थर्ड मान ले, ठीक है। अब एक की वैल्यू निकालने के लिए जो ए के नीचे फैक्टर होता है, इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो पुट टी इक्वल टू 0, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, समीकरण 3 में रखना है, ठीक है। तो 1 यहाँ पर देखिए ए सेम, यहाँ टी की वैल्यू 0 प्लस में 1, बी सेम टी की वैल्यू 0, तो यानी 1 इक्वल टू कितना आएगा, ए वन जा ए, बी 0 हो जाएगा पूरा, तो यानी ए की वैल्यू 1 आ जाएगी प्लस की, तो साइड में लिख लो इसको, ए की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 1, ठीक है। अब इसी प्रकार आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पहले हटा देते, ठीक है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, जो बी के नीचे वाला फैक्टर है इसको 0 के इक्वल करना है, तो पुट टी प्लस 1 इक्वल टू 0, देन टी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 आएगी, माइनस का 1 पुट कर ले इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, समीकरण 3 में मान रखने पर, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू ए, टी की वैल्यू माइनस 1 प्लस 1, बी सेम और टी की वैल्यू माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस होता 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का बी कर ली, अब देयर फॉर ये माइनस की वैल्यू पर ट्रांसफर होता है, तो बी इक्वल टू माइनस का 1, तो यानी बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1 आएगी, ठीक है। चलो अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, बी की वैल्यू साइड में लिख दी, ठीक है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट की समीकरण 2 आपको याद रखनी है, इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको दोबारा ऊपर लिखना है समीकरण 2 से, हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 2 से, और इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले टी, टी प्लस 1 इसको सेम रख दिया, ए की वैल्यू कितनी है, 1/ में टी, ठीक है, और बी की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू लिखी हमने 1, टी को सेम रख दिया, बी की वैल्यू लिखी यहाँ पर माइनस का 1, और टी प्लस 1 सेम रख दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बिल्कुल, 1/ टी, टी प्लस 1 बराबर 1/ टी प्लस माइनस माइनस 1/ टी प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 1/ टी प्लस 1, इसकी ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर ले पहले, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 1/ 2 भी चाहिए है ना, तो हम क्या करेंगे, 1/ टी प्लस 1 की वैल्यू इंटीग्रेशन बाद में कर देंगे, पहले इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलो ये आपने नोट कर दिया होगा यहाँ तक, इसको लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, इसको लिखने के बाद आपको लिखना है, सिंस हमें मालूम है कि आई किसके इक्वल था, 1/2, 1/ इसको ऊपर 1 है ना, तो 1/ टी, टी प्लस 1 और डी टी को बाहर कर दे ऐसे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/ टी सेम, देखिए 1/ टी इंटू टी प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या आई, ये वाली आई, इसको ब्रैकेट में रख दे, 1/ टी माइनस 1/ टी प्लस 1 और ब्रैकेट में डी टी बाहर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद आगे, दोनों का इंटीग्रेशन आपको सेपरेट करना है, इंटीग्रेशन 1/2, 1/ टी डी टी का इंटीग्रेशन अलग से करेंगे,
माइनस इंटीग्रेशन इसका सेपरेट करेंगे, वन अपॉन देखिए वन अपॉन टू की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो जाएगी। तो चाहिए तो एक काम करें आप, इंटीग्रेशन को बाद में करें, पहले वन अपॉन टू बाहर रख दी कॉमन, वन अपॉन टू मैंने कॉमन रख दिया है, ठीक है। और इंटीग्रेशन वन अपॉन टी डी टी कर ली सिंगल सिंगल, और माइनस में इंटीग्रेशन वन अपॉन टी प्लस वन डी टी ऐसे, ठीक है। तो वन अपॉन टी तो बाहर है ब्रैकेट के। अब यहाँ देखिए वन अपॉन टी का क्या होगा, लॉग मोड टी हो जाएगा, और माइनस वन अपॉन टी का लॉग मोड टी प्लस वन प्लस में सी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, टी की वैल्यू पहले पुटअप कर लेनी है, टी लॉग सेम रख दिया है, और टी की वैल्यू क्या है, टी आपने माना था एक्स स्क्वायर को, ठीक है। टी किसको माना था आपने, टी आपने माना था एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर रख दूँगा, ठीक है। माइनस में लॉग टी माना था एक्स स्क्वायर प्लस में वन और प्लस में सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ पर भी फार्मूला बनना है लॉग ए माइनस लॉग बी का, तो यहाँ पर भी चाहिए आप फार्मूला अप्लाई कर दें पहले, और अदरवाइज आप यहीं पर छोड़ सकते हैं इसको। तो एक बार फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं कि वन अपॉन टू हमने सेम रख दिया, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन बी हो जाता है। लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिखते हैं, लॉग ए अपॉन बी, बी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है। बात समझ रही हो ना कि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है। लॉग ए माइनस लॉग बी को हमने क्या लिख दिया, लॉग ए अपॉन बी, वन अपॉन टू सेम प्लस में सी कॉन्स्टेंट सेम है, ठीक है। अब ये आपका आंसर आ चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इनमें, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है एक बार चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। वन अपॉन टू लॉग एक्स, वन अपॉन टू लॉग एक्स, लॉग एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना, ठीक है, बिल्कुल राइट है। देखिए बुक ने क्या किया है, इसका एक बार आंसर पीछे मैच कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल हमारा राइट है। एक्सरसाइज 7.5 का ये है, एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 23 है ये, है ना। तो इसमें आ रहा है ए ऑप्शन में सही आ रहा है, अच्छा ठीक है। डियर स्टूडेंट देखिए ये आंसर आपका बिल्कुल राइट है, इसने क्या किया है, इसने इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिखा है, इसने इसी फॉर्म में छोड़ दिया है इसको। ऑप्शन के हिसाब से देखिए ये बिल्कुल आपका सही है, आप इसको काटना मत, ये भी लिख देना आप। अब अगर ऑप्शन में आपको लिखना है ना, ऑप्शन को अगर मैच करना है, तो देखिए इसने क्या करा है, इसके बाद इसने कैसे सॉल्व करा है, इसके बाद देखिए आप ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए आप बिल्कुल पहले इसको मैं हटा देता हूँ, देखिए अगर आंसर आपको बुक का मैच करना है फर्स्ट वाला पार्ट, तो मैं क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई कर दूँगा वन अपॉइंट टू का अंदर, देखिए वन अपॉइंट टू का मल्टीप्लाई कराया अंदर, तो लॉग एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, माइनस वन अपॉइंट टू लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस में वन और प्लस में सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर लॉग के आगे लॉग ए की पावर बी दे रखी है, अगर घात में कोई नंबर है तो वो इंटू में आता है, तो यहाँ पर घात में कोई नंबर है ये इंटू में आएगा आगे, तो यानी क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू वन अपॉइंट टू पहले से चल रहा है, ये जो लॉग लॉग ए अपॉन बी होता है इसको क्या लिखते हैं, बी लॉग ए लिखते, तो बी यानी ये टू इंटू में आएगा, टू इंटू में लॉग एक्स ऐसे, माइनस वन अपॉइंट टू लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस में वन प्लस में सी कॉन्स्टेंट, हम देखिए टू से टू कट हो जाएगा, तो आई इक्वल टू कितना बचेगा, खाली लॉग एक्स माइनस में वन अपॉन टू फिर लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस में सी कॉन्स्टेंट, देखिए ये आंसर है आपका। तो ऑप्शन में यही दे रखा है, आई थिंक देख लेते एक बार, देखिए ऑप्शन फर्स्ट है इसका लॉग एक्स, ठीक है लॉग एक्स ये रहा, माइनस वन अपॉन टू ये रहा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन ये रहा, प्लस में सी कॉन्स्टेंट, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो चाहिए तो आप ये लिख लें और यहाँ आप लिख लें कि सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए वाला आएगा, चाहे तो आप ये लिख लें और चाहे तो आप ए अपॉन बी के रूप में लिख लें, दोनों आंसर बिल्कुल राइट मानी जाएंगी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर समाप्त हो जाती है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, खंडसर समाकलन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है समाकलन के अंतर्गत,
खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट को हम हल करेंगे अगले लेक्चर में। तो अब आपको इसको पहले रिपीट करना है। एक्सरसाइज 7.5 आपकी पूर्ण तो समाप्त हो चुकी है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.5 संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन का रिपीट करना है और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे, उसमें खंडशः समाकलन हमें सीखना है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को बोलते हैं खंडशः समाकलन। तो अभी आप इसको नोट कीजिएगा और रिपीट कीजिएगा। इसके बाद वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जो लेक्चर आएगा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का आएगा, तो सभी बच्चे पहले इस लेक्चर से जुड़ जाइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन तो हमने कर दिया है, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जितना भी बेसिक होगा, बेसिक को समझाने के बाद मैं आपको जितने फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के वो समझाऊंगा। उसके बाद इसके एग्जांपल समझाऊंगा, सारे एग्जांपल समझाऊंगा और उसके बाद एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।